हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं ये जानने के लिए आइए आज हम जानते हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो किस तरह से करता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सबके घर में एक टैंक होता है, छत पे टेरेस पे एक टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, राइट। ये पानी आपके घरों के किचन तक, बाथरूम तक, गैराज तक, जिस जहां पर भी आपको पानी को लेकर आना है, किस तरह से आता है? इनमें बच्चों पाइप कनेक्टेड रहता है, पीवीसी पाइप है ना, वो कनेक्टेड रहता है और ये आपके हर डिजायर्ड जगह पर पहुंच जाता है और इस पाइप से पानी का सप्लाई होता है। ये पीवीसी पाइप के थ्रू सप्लाई होता है। यहां पर बच्चों पानी का वेस्टेज जीरो होता है, बिकॉज सारा का सारा पानी पाइपलाइंस के थ्रू जा रहा है और ये ओपन स्पेसेस में बिल्कुल नहीं। भाई आप दो तरह से बात ले सकते हैं, या तो आप एक पाइप से कनेक्ट करके, शावर से कनेक्ट करके, नल से चालू करके पानी से बात ले सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि एक बड़ा सा तालाब में पानी भर के आप उसमें कूद पड़े। तो भाई ये उसी तरह से एक सिस्टम है, ये क्लोज तरीका है, पानी का वेस्टेज कम है इसमें और बिल्कुल ये क्लोज मैनर में जहां पर भी आपको जो डिजायर्ड जगह है, जहां पर आपको पानी पहुंचाना है, वहां तक ये पानी पाइपलाइंस के थ्रू पहुंच जा रहा है। सेम वे में बच्चों, सेम मैनर में हमारा ब्लड भी इसी तरह से एक हार्ट पंपिंग ऑर्गन के साथ कि उसकी मदद से बॉडी के हर एक हिस्से में कुछ स्पेशल पाइपलाइंस की मदद से पहुंच रहे हैं। इन स्पेशल पाइपलाइंस को ही हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये एक ओपन वो तालाब जैसा सिस्टम नहीं है जिसपे आप कूद पड़े और नहाकर बात लेके निकल गए। ये बिल्कुल ही क्लोज सिस्टम है। ये ब्लड जो है ना पाइपलाइंस के थ्रू, ये स्पेशल ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है और बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। बच्चों ब्लड की जरूरत हर एक बॉडी सेल को है, बिकॉज ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ब्लड कैरीज डिफरेंट फूड मटेरियल्स। बच्चों ब्लड जो है रिवर ऑफ लाइफ होती है, उसके बिना सर्वाइवल नहीं पॉसिबल। इसीलिए ब्लड हमारे हर एक बॉडी के कोने, हर एक बॉडी के हिस्से में चाहिए। तो इसलिए ब्लड क्लोज मैनर में एक स्पेशल ब्लड वेसल्स की मदद से हर एक जगह पहुंच जाती है। आइए हम जानते हैं कि ब्लड वेसल कितने तरह के होते हैं। ब्लड वेसल तीन तरह के होते हैं बच्चों। पहला है आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा है कैपिलरी। डायमेंशंस के हिसाब से कैपिलरी सबसे छोटा होता है, ये काफी छोटा होता है कंपैरिजन टू वेन्स एंड आर्टरी। एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले आर्टरी के बारे में जानेंगे हम, फिर वेन के बारे में, फिर कैपिलरीज के बारे में। आइए जानते हैं पहले ब्लड वेसल आर्टरी के बारे में। आर्टरी का बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। कंसिडर करें एक पानी का प्लास्टिक पाइप, नॉर्मल प्लास्टिक पाइप जिसे आप कनेक्ट करके अपनी बाइक धोते, अपनी कार वॉश करते हैं, वो पानी का प्लास्टिक पाइप कंसिडर करें। बच्चों आपने देखा होगा कि उसका वॉल्स काफी इलास्टिक होता है, पानी उससे जब फ्लो करता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है और पानी जिस वक्त नहीं फ्लो कर रहा होता है तो वो कोलैप्स्ड रहता है। सेम उसी तरह से बच्चों आर्टरी भी जब इसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो इसके वॉल्स बीइंग हाईली इलास्टिक वॉल्स एक्सपैंड कर जाते हैं, और जब ये इससे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता उस वक्त ये कोलैप्स्ड रहता है। बच्चों इसके वॉल्स काफी हाईली मस्कुलर वॉल्स रहते हैं। ये जो ब्लड फ्लो करने का स्पेस है, ये जो होल दिख रहा है बच्चों, इसी के थ्रू ब्लड पास होता है और इसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, और इसका ल्यूमेन काफी नैरो रहता है और छोटा रहता है। बच्चों इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो या नहीं हो उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा
ज्यादा हो या बहुत अच्छे से हो, फुल हो, तो उसे कहते हैं हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, बस इस पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, बॉडी की जितने भी आर्टरीज है सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये एक हार्ट से कनेक्टेड आर्टरी रहता है बच्चों, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, जब हम साउंड्स ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलता है। आर्टरी जो है वो ब्लड हार्ट से दूर ले जाता है टू द बॉडी टिश्यूज, इट टेक्स अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू। आइए इनके सारे पॉइंट्स को पोस्टुलेट अगर कर लूं, एक साथ समाप्त करके लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमने पांचों पॉइंट पोस्टुलेट कर दिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आर्टरी के बारे में आपको जानना जरूरी था, वो सारे के सारे पॉइंट्स ये हमने पोस्टुलेट कर दिए। आइए बच्चों हम सेकंड ब्लड वेसल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ब्लड वेसल है वेन। आइए वेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। ये होता है वेन का बेसिक स्ट्रक्चर। आप इस वेन में मस्कुलर वाल थिन होते हैं, आर्टरी की तरह थिक नहीं होते हैं, हाईली मस्कुलर नहीं होते हैं। इनके वाल जो है नॉन इलास्टिक होते हैं, अनलाइक आर्टरीज इट हैज नॉन इलास्टिक वॉल्स बच्चों। अनलाइक आर्टरीज इट हैज वाइडर ल्यूमन, यानी कि ये जो ब्लड स्पेस फ्लो करने के लिए है वो वाइड होता है, काफी चौड़ा होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। और इसमें साथ साथ वाल्व भी होता है बच्चों। वाल्व क्यों होता है, हमने पहले भी जाना था, वाल्व का फंक्शन होता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। कभी भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो तो उसे वाल्व प्रिवेंट करता है, उसे वाल्व बैक फ्लो होने नहीं देता है, इसलिए वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं वेन में बच्चों। ये क्यों प्रेजेंट रहता है और आर्टरीज में क्यों नहीं रहता वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमने यहां से जाने हैं उसको पोस्टुलेट कर लेते हैं। तो वेन का बहुत थिन मस्कुलर वॉल होता है, इट हैज थिन मस्कुलर वॉल, हैव नॉन इलास्टिक वॉल्स, इसके वॉल्स इलास्टिक नहीं होते हैं, हैव वाइडर ल्यूमन, इसका ल्यूमन जो है चौड़ा होता है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल द वेन्स बच्चों कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, वो है पल्मोनरी वेन। जिस तरह से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, उसी तरह से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक उल्टा एक्सेप्शन आता है, अदरवाइज ऑल वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला मैंने, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये भी बच्चों एक हार्ट से कंसर्न वेन है, हार्ट से कनेक्टेड रहता है ये वेन, इसके बारे में भी हम हार्ट का मैकेनिज्म जब समझेंगे तो हम इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे बच्चों। वेन्स में वाल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व्स प्रोवाइडेड है बच्चों। व्हाई वाल्व्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन आर्टरीज, ये पॉइंट शायद मैंने भूल गया था मैं आपको बताने बच्चों। आर्टरीज में जो है ना ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है, बिकॉज आर्टरी जो है हार्ट से दूर ले जाते हैं ब्लड को टू द बॉडी टिश्यूज, और ये पॉसिबल होता है पंपिंग ऑर्गन विद द पंपिंग ऑर्गन हार्ट। हार्ट जब पंप करता है ना अपने वेंट्रिकल चैम्बर से, तो वो आउटा के थ्रू आर्टरी, सबसे बड़ा आर्टरी जो होता है आउटा, उसके थ्रू पूरा ब्लड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द बॉडी टिश्यूज। तो उस आउटा में ना बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और इसी वजह से उस प्रेशर की वजह से ही ब्लड फ्लो कंटिन्यूस रहता है, जबकि वेन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेन्स में प्रेशर नहीं रहता है, इसलिए उसमें बैक फ्लो होने का डर रहता है, जिसकी वजह से इट इज बीइंग प्रोवाइडेड विद वॉल्व्स। वेन्स क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं बॉडी टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से ब्लड को कैरी करके वेन हार्ट की तरफ वापस ले जाते हैं टू अगेन पोर बैक द ब्लड टू द हार्ट। ये मेजर बेसिक फंक्शंस है वेन का, और स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो आई होप आपको वेन समझ में आ गया होगा। थर्ड वेसल है बच्चों कैपिलरी। कैपिलरी का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये सिंगल एंडोथेलियल सेल के लेयर से बनते हैं,
ये कंपैरिजन विद आर्टरीज एंड वेन्स बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। बच्चों ये आर्टरी का ही पार्ट होता है और आर्टरी से निकल के फिर ये वेन फॉर्म कर जाते हैं। आपको फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया देता हूं कि ये किस तरह से होता है। बच्चों ये है आर्टरी, आर्टरी से निकला एक स्मॉलर ब्रांच, आर्टरी का स्मॉलर ब्रांच को कहते हैं हम आर्टेरियोल्स, इसे कहते हैं आर्टेरियोल्स, ये जो स्मॉल ब्रांच इवॉल्व हो रहे हैं इसे आर्टेरियोल्स कहते हैं। बच्चों ये फर्दर और भी छोटे ब्रांचेस में बढ़ गया और ये छोटे ब्रांचेस को हम कहते हैं कैपिलरी। यही लेवल पे ऑक्सीजन एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, फूड मटेरियल्स एक्सचेंज, ब्लड प्रोटीन एक्सचेंज, सारे के सारे यही लेवल पे होते हैं, कैपिलरी लेवल पे। एज इनके वॉल्स सिंगल एंडोथेलियल सेल से बनते हैं तो ये काफी पतले होते हैं, बहुत ही पतले, जिनकी वजह से सारा चीज का एक्सचेंज इस लेवल पे पॉसिबल है। बच्चों एक्सचेंज होने के बाद फिर से ये कैपिलरीज जो है रीयूनाइट करते हैं और स्मॉलर ब्रांचेस में बदल जाते हैं और स्मॉलर ब्रांचेस से बनके ये वेन्यूल बनाते हैं। वेन्यूल क्या है बच्चों? वेन्यूल वेन का एक छोटा सा ब्रांच है, वेन का जो छोटा ब्रांच होता है उसे हम वेन्यूल कहते हैं और ये वेन्यूल रीयूनाइट करके बना देता है वेन, फॉर्मेशन ऑफ वेन। तो कुछ इस तरह से ही सारा एक्सचेंज होता है। ये कैपिलरी कहां पर प्रेजेंट रहता है बच्चों? ये रहता है ऑर्गन में और टिश्यूज में। ये टिश्यूज या ऑर्गन में जाके कैपिलरी में ब्रांच हो जाता है आर्टरी और इस तरह से एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद ये वही फॉर्मेशन ऑफ वेन हो जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पोस्टुलेट किए हैं। नंबर वन इज कि इसके पास थिन सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल से ये बना रहता है, ये एकदम पतला थिन एंडोथेलियल सेल लेयर से बना है। सेकंड पॉइंट इज बहुत ही नैरो और बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। यह मैंने बता चुका है आपको कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं और बहुत पतले होते हैं, नैरो होते हैं और सारा रेस्पिरेटरी गैसेस और रेस्पिरेटरी गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज हियर। यहीं पर सारा न्यूट्रिएंट्स और गैसेस वगैरह सब के सब यही लेवल पर एक्सचेंज होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये तीन तरह के ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या है बच्चों और ये किस तरह से दिखते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। जुड़े रहिए और भी ऐसे वीडियो के लिए।